परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, और वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, उनको परवाह नहीं होती है गिर जाने की। अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का बहुत छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत बड़ी सीख लेके आप सभी लोगों के लिए आया है। तो सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर सुनना और देखना, पसंद आए तभी लाइक करना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करना। दोस्तों, कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है, और कौवा बाज की पीठ पर भी बैठ जाता है और उसकी गर्दन पर भी काटता है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लेकिन बाज उसको कोई जवाब नहीं देता है। जितने सारे पक्षी हैं कोई बाज से हिम्मत नहीं करता है, लेकिन कौवा उसकी चोंच भी मारता है, पीठ पर भी बैठ जाता है और उसकी गर्दन पर भी काटता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी बाज का कोई रिजेक्शन नहीं होता है, ना तो वो उससे लड़ता है ना उसको जवाब देता है, बस अपना समय जो है वो अपनी उड़ान में लगाता रहता है और अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता है। अपने पंख खोलता है, ऊंचा उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है आसमान की तरफ। जितना ज्यादा ऊंचा उड़ेगा, कहते हैं कि उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता जाता है। और आप सभी लोग जानते हो कि जितनी ज्यादा ऊपर उड़ान होगी वहां पर सांस लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। और जैसे जैसे बाज ऊपर उड़ता है वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो कौवा ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। आप अब सोच रहे होंगे कि इससे मेरे को क्या मैटर है। तो इससे मैटर ये है कि आप भी अपने आस पास ऐसे कौवा रूपी इंसान से अपना समय बर्बाद ना करें, उनसे लड़के आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, अपनी कामयाबी पे ध्यान दें, अपनी ऊंचाई पे, अपनी उड़ान पे ध्यान दें। जितनी जैसे जैसे आपकी ऊंचाई होती चली जाएगी, जो ऐसे कौवा रूपी इंसान है वो ऑटोमेटिक गिर जाएंगे, ऑटोमेटिक साइड हट जाएंगे। तो पूरी कहानी का, पूरी बातों का मतलब ये है कि जैसे जैसे बाज ऊपर उड़ता है वैसे वैसे कौवा जो है अपनी हिम्मत हार जाता है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है और कौवा ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो वैसे ही जब आप सक्सेस होंगे, आपको जो है उन इंसानों से जो आपको काट रहे हैं, डांट रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, उनको कोई रिएक्शन नहीं देना, उनसे लड़ना नहीं है, उनसे झगड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी कामयाबी पे ध्यान देना है, अपनी ऊंचाई पे ध्यान देना है। आप अपने रास्ते पे चलते रहिए, जैसे जैसे आपका कद बड़ा होता रहेगा, जैसे जैसे आप बुलंदियों पे पहुंचते रहेंगे, वैसे ही सारे के सारे लोग नीचे गिर जाएंगे, सब साइड हो जाएंगे, झगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का छोटा सा वीडियो बस यही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।